सब्सक्राइब करें सीजीपीएससी अड्डा चैनल को फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड अपडेट्स और साइड में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये वीडियो जो है आपके डिमांड पर ही है। दरअसल दोस्तों मैंने अपने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला हुआ था कि जो सीजी व्यापम के जो समस्त एग्जाम्स जो है उसको क्रैक करने के लिए जो बुक लिस्ट की जरूरत है, क्या आप उस पर वीडियो चाहते हैं। तो ज्यादातर हमारे साथियों ने जो है बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स शो किया है। तो दोस्तों मैं जो है आपके डिमांड पर ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं जो है सारे कंटेंट्स जो है, सारे बुक्स एवं सारे चीजें जो है काफी डिटेल्ड में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो है हम सीजी व्यापम का जो सिलेबस है यानी कि कॉमन सिलेबस उसे देख लेते हैं जो मोस्टली इसके सारे एग्जाम्स में फॉलो किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सिलेबस है उसको मैंने पार्ट वाइज डिवाइड किया है। जैसे कि इसमें डिवाइडेड होता है, सबसे पहला पार्ट देखेंगे आप कंप्यूटर का होता है। इसके बाद लैंग्वेज का होता है, देखिए इसमें भी दो पार्ट्स डिवाइडेड हैं, इसमें हिंदी और इंग्लिश के होते हैं। फिर देखेंगे आप एप्टीट्यूड और रीजनिंग का। इसके बाद देखिए जो जनरल स्टडीज़ है इसको भी जो है हम पांच पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि पहला पार्ट जीएस होता है यानी कि जनरल साइंस। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, फिर इंडियन हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है और लास्ट इकोनॉमिक्स होता है। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ का पार्ट है। इसके बाद देखिए करेंट अफेयर्स, जो कि फिर देखिए इसमें हम जो है मोस्टली नेशनल, इंटरनेशनल और जो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स हैं अलग अलग भागों से सब पूछे जाते हैं इसमें। तो देखिए ये मोस्टली जो है डिटेल्ड वे में मैंने डिस्क्राइब करके आपको जो है सिलेबस को यहाँ पे बताया है। चलिए दोस्तों अब हम जो है इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है अलग अलग पार्ट्स के वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर का भाग होता है, तो इसमें जो है आपको 20 मार्क्स जो है आपके मैक्सिमम होते हैं यहाँ पे। इसके बाद लैंग्वेज देखिए, जहाँ मैंने आपको बताया था हिंदी और इंग्लिश के, तो हिंदी के 10 और इंग्लिश के 10 यानी कुल मिलाकर 20 मार्क्स होते हैं यहाँ पे। इसके बाद एप्टीट्यूड और रीजनिंग देखेंगे तो एप्टीट्यूड के 30 मार्क्स और रीजनिंग के 15 मार्क्स होते हैं, कुल मिलाकर 45 मार्क्स होते हैं यहाँ पे। जनरल स्टडीज़ जो है जैसे कि मैंने आपको बताया था पांच पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पे टोटल 35 मार्क्स के होते हैं ये। छत्तीसगढ़ देखेंगे आप तो छत्तीसगढ़ जो है कुल मिलाकर यहाँ पे 15 मार्क्स के होते हैं, और लास्ट जो करंट अफेयर्स आप देख रहे हैं ये कुल मिलाकर 15 मार्क्स के होते हैं यहाँ। अब दोस्तों हम जो है एग्जाम का पैटर्न एग्जैक्ट जो क्या होता है वो देखने वाले हैं। तो इसमें पहला पॉइंट देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि कितने प्रश्न आते हैं। तो मोस्टली देखा गया है व्यापम के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो 150 प्रश्नों के होते हैं, लेकिन कुछ कुछ पेपर में ये 200 तक भी वैरी करते हैं। जैसे कि फूड इंस्पेक्टर वगैरह देखेंगे तो उसमें एक पार्ट एडिशनल होता है, जिसके वजह से कुल मिला 200 प्रश्नों के भी होते हैं। तो 150 से 200 मान सकते हैं इतने प्रश्न आते हैं। और देखिए सेकंड जो दिया गया है प्रति प्रश्न कितने अंक होते हैं, तो एक मार्क्स मिलते हैं, तो देखिए 1 मार्क्स पर क्वेश्चन। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए 1/4 माइनस मार्किंग होती है, यानी कि प्रत्येक सही उत्तर पर आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर पर आपका 1/4 मार्क्स काट लिया जाता है। लास्ट देखेंगे टाइमिंग जो है, ये भले आपका पेपर जो है 150 प्रश्नों को हो या 200 प्रश्नों को हो, ये टाइमिंग हमेशा फिक्स होती है। यहाँ पर टाइमिंग जो है 3 घंटों का आपको दिया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम जो है बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरा सिलेबस जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, तो अलग अलग पार्ट्स के लिए कौन सा बुक सबसे सूटेबल होगा मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए इनमें कुछ बुक्स जो है मैं आपको थोड़े से जो है ऑथेंटिक ऑथर के भी बताऊंगा, यानी कि बड़े ऑथर्स के, यानी कि थोड़ी मोटी बुक्स भी हो सकती हैं, क्योंकि देखिए कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे हैं हमारे सिलेबस में जो आपको काफ़ी डिटेल्ड वे में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उनका वेटेज बहुत हाई है। बाकी जो है बहुत सारे बुक्स ऐसे भी होंगे जो मैं आपको क्विक रिवीजन वाले जो है वैसे बताऊंगा, क्योंकि उनका वेटेज जो है थोड़ा कम है, तो हमको जो बैलेंस्ड में पढ़ना है। तो इसीलिए आप जो है आगे मैं पूरा बुक जो बताऊंगा उसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले देखिए कंप्यूटर के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है या सुटेबल बुक कह लीजिए सीजी व्यापम के लिए वो मैं बता दूँ आपको, ये है देखिए परीक्षा मंथन का किताब है। बुक का नाम देख रहे होंगे कंप्यूटर एक परिचय, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं और इसे एक बार पढ़ के देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है ये। सेकंड जो है लैंग्वेज वाले पार्ट के लिए देखिए, जो इसमें भी मैंने 2 पार्ट डिवाइड किया था हिंदी और इंग्लिश के लिए। तो हिंदी के लिए देखिए यहाँ की जो दिल्ली IAS अकादमी की सामान्य हिंदी की किताब है ये काफ़ी अच्छी है, तो आप इसे एक बार जो है परचेज करके पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश के लिए मैं बात करूँ तो देखिए एसेंशियल इंग्लिश जो है रश्मि सिंह की, ये है दिशा पब्लिकेशन की, तो इसे आप ले सकते हैं। काफ़ी डिटेल्ड वे में दिया गया है पूरा सिलेबस, तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं।
इसके बाद देखिए दोस्तों एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो है इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इनका वेटेज बहुत हाई है, तो इसके लिए जो बुक्स भी हैं आपको सर्वश्रेष्ठ फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक होती है एप्टीट्यूड के लिए, तो देखिए ये है आर एस अग्रवाल की वस्तुनिष्ठ अंकगणित, ये सबसे स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है इसके लिए। बाकी रीजनिंग के लिए मैं बात करूँ तो अरिहंत की देख लीजिए मास्टर रीजनिंग, ये बुक काफ़ी अच्छी इसलिए है क्योंकि इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों जो है दोनों पार्ट दिए रहते हैं, तो इसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसमें जो भी आपको दिया गया प्रश्न उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। ये दो बुक्स जो है आप इस पार्ट के लिए फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा दोस्तों जो जनरल स्टडीज़ का पार्ट मैंने बताया था जो कि 5 भागों में डिवाइडेड था, इसमें जो साइंस वाला पोर्शन था यानी कि जीएस, इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो है दृष्टि का क्विक बुक, देखिए सामान्य विज्ञान का, ये बुक काफ़ी है आपका व्यापम क्रैक करने के लिए, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। इसमें आपको जो है ACF लेवल की पढ़ाई नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे इतना डिटेल में पूछा नहीं जाएगा, तो आप इस बुक को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। देखिए जनरल स्टडीज़ वाले ही पार्ट में देखेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था इसका सेकेंड भाग यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट था, इसमें देखिए जो सबसे बेस्ट बुक होती है ये है लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था। देखिए ये बुक थोड़ी स्टैंडर्ड बुक है, मैं जानता हूँ बहुत लोगों को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत जाएगी, लेकिन देखिए इससे अच्छी बुक जो है कॉन्स्टिट्यूशन की देखी नहीं गई है, और अब जब क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आप पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्न जो है अब आजकल बहुत लाइट लेवल के नहीं आ रहे हैं, भले आप CGPSC दे लें या CGVAPM दे लें, तो आपको जो ये वाला हिस्सा जो है काफ़ी डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, तो अब इससे अच्छी बुक जो है आपको नहीं मिलेगी, भले थोड़ी डिफिकल्टी हो लेकिन आप इसे बार बार पढ़िए तो आपको ये बुक अच्छे से समझ में आएगी। तो अब इसके लिए जो है भारत की राज्य व्यवस्था लक्ष्मीकांत की बुक को फॉलो कर सकते हैं। जनरल साइंस में जो है तीसरा भाग जो है ये है इंडियन हिस्ट्री का, तो इसके लिए देखिए जो मैं आपको बुक बोलने वाला हूँ शायद हो सकता है बहुत सारे छात्रों को सही ना लगे, लेकिन व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक जो है आपके लिए काफ़ी है। और ये बुक है देखिए 2000 ट्यूटोरियल्स का बुक है, प्रतियोगिता सारांश, CGPSC मेंस के लिए बुक निकाली गई थी इसी साल। तो देखिए भारत का इतिहास जो ये बुक है ये काफ़ी है आपके लिए क्योंकि इस बुक में काफ़ी डिटेल वे में और एक जो है आपके ही नोट्स फॉर्म में जो है इस बुक को बनाया गया है, तो बहुत अच्छा दिया गया है, एक बार अब इसे पढ़ के ज़रूर देखिए। और ये बुक जो है आपके लिए काफ़ी होगा इंडियन हिस्ट्री कवर करने के लिए, और इसमें जो है एंशियंट, मिडीवल और जो मॉडर्न हिस्ट्री है काफ़ी डिटेल वे में दिया गया है और काफ़ी अच्छे वे में दिया गया है एक्चुअली, तो अब इसे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जनरल स्टडीज़ में ही जो है अगला भाग जो है वो है ज्योग्राफी का, इसमें आप देख रहे होंगे जो बुक मैं आपको बता रहा हूँ ये है देखिए परीक्षा वाणी का भारत का भूगोल जो है, ये बुक आप ले सकते हैं, इसके राइटर SK ओझा जी हैं और ये बुक जो है काफ़ी अच्छी बुक निकाली गई थी, तो अब इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। देखिए ज्योग्राफी के भी पोर्शन जो है यानी कि इसके प्रश्न जो है काफ़ी डिटेल में ही पूछे जाते हैं, तो अब इस बुक को पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी कोई संशय नहीं रहेगा क्योंकि NCERT पर बेस्ड बुक है, तो अब ये बुक आपके लिए बेस्ट होगी, आप इसे एक बार फॉलो कर सकते हैं। जनरल स्टडीज़ में ही जो लास्ट भाग था यानी कि इकोनॉमिक्स का, देखिए इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक मानी जाएगी CGVAPM के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है दृष्टि की क्विक बुक, देखिए भारत की अर्थव्यवस्था, ये बुक सफिशियंट है आपका CGVAPM के लिए, आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए सिलेबस का जो अगला भाग था यानी कि छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन, इसके लिए जो है कुछ बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये पोर्शन जो है आप काफ़ी डिटेल वे में पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पोर्शन जो है आपके 15 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं और साथ ही साथ ये जो है आपको आगे चल के CGPSC में भी काम आने वाला है, तो अभी इस पोर्शन को लाइटली नहीं ले सकते, ना कि मैं आपको कैसे हल्के बुक्स बताऊँगा जिसे आप पढ़ के एटलीस्ट व्यापम क्रैक कर लें, तो ऐसी कोई बुक्स नहीं है, आपको इसे डिटेल वे में ही पढ़ना पड़ेगा। तो पहला बुक देखिए यहाँ पे टुटेजा का जो ये छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, आप इसे ले सकते हैं, साथ ही साथ देखिए इसके साथ आपको एक एडिशनल बुक लेना पड़ेगा वो है HR पब्लिकेशन का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ अपडेटेड होते हैं वो भी दिए रहते हैं, तो ये दो बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों अगर आपको बहुत डिटेल्ड वे में और पढ़ना है तो आप इसके लिए समग्र छत्तीसगढ़ जो कि हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है इसकी किताब भी ले सकते हैं, हालांकि ये बुक मार्केट में मिल नहीं रही है लेकिन इसकी कॉपीज़ जो है आपको मिल जाएंगी, तो आप उसे भी साथ में फॉलो कर सकते हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ के लिए एटलीस्ट 3 बुक फॉलो करिए क्योंकि ये पोर्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पूरे सिलेबस का जो लास्ट पार्ट है यानी कि करंट अफेयर्स, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो छत्तीसगढ़ और एक है नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है वो। तो देखिए छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन के लिए आप देख सकते हैं पहला जो है विकास परक, आप इसे खरीद सकते हैं, ये मंथली आपको मिल जाएगी, तो इसमें आप करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ के प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंडली जो है ऐप जो है यानी कि एप्लीकेशन, इसे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, ये परीक्षा ऐप, इसमें जो है आपको डेली जो है अब जो भी अपडेट होता है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड करंट अफेयर्स का वो आपको मिल जाता है। और नेशनल और इंटरनेशनल की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए पहला जो है वो है प्रतियोगिता दर्पण, ये मंथली मैगजीन है, ये भी आपको मिल जाएगा।
सेकेंडली आप देखेंगे अगर एप्लीकेशन की बात करूँ तो जागरण जोश ऐप जो है काफ़ी बेस्ट माना जाता है, इसमें डेली अपडेट होते हैं करंट अफेयर्स, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसे। इसके अलावा दोस्तों मेरा पर्सनल सजेशन है कि करंट अफेयर्स का ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स की बुक जो है जनरली आप देखे होंगे कोई भी बड़ी वैकेंसी आती है तो वैकेंसी होने के कुछ समय पहले ही आप देखेंगे कि इनके करंट अफेयर्स मार्केट में मिल जाते हैं, यानी कि किताब के फॉर्म में। बहुत पब्लिकेशन है जैसे कि अर्जुना हो गए, विद्यालय क्लासेस, टूटेजा, बहुत सारे पब्लिकेशन हाउस जो है यहाँ के लोकल वो इनके रिलेटेड जो है किताब निकाल देते हैं, तो इसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ये बुक्स आपको मिल जाएंगी और एक साथ जो है प्रिसाइज फॉर्म में मिल जाती है, तो ये सब का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। लेकिन बाकी जो पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं उसमें जो है किताबें मैंने जो भी बोली उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारी जो है मैंने आपको काफी डिटेल वे में देने की कोशिश की और उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।